तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर में और हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पीएम किसान। उसके बाद दोस्तों सर्च कर देंगे। तो दोस्तों यहां से हम फर्स्ट लिंक ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहां पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन दिए गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर आधार नंबर दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देंगे, हम जिस भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को दोस्तों हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टेट पहले से चूज हुआ है, तो दोस्तों हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना ब्लॉक चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अपना विलेज चूज करेंगे, हम जिस विलेज से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना विलेज चूज कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फार्मर पर्सनल डिटेल्स जो है अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा आधार कार्ड के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कैटेगरी जो है चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फार्मर टाइप दिए गया है स्मॉल एंड अदर्स, तो दोस्तों हम यहाँ पर स्मॉल चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटो फिल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दिए गया है, तो दोस्तों हमारे ज़मीन के प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड है नंबर है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए, अन्यथा दोस्तों आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऐड लैंड डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर खाता संख्या नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एरिया जो है हेक्टेयर में कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस बिफोर एंड आफ्टर डेट दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स दिया गया है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों लैंड डेट विजिट दिया गया है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पट्टा RFA दिए गए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ऐड पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो जमीन प्रमाण पत्र है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जमीन प्रमाण पत्र और आधार 50 KB के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सेव पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम फिर से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर स्टेटस सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आधार नंबर जो है हमारा यहाँ पर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने जो फॉर्म फिल किया है कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा, तो दोस्तों इसे हम प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने लेखपाल या कृषि भवन जा करके इसे जमा कर देंगे, तो दोस्तों यह स्टेट से अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो पेमेंट है वह आना शुरू हो